हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सेंसी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया था, तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका फुल डेमो और इंस्टॉलेशन। जी हाँ दोस्तों, ये डेमो और इंस्टॉलेशन कंपनी के इंजीनियर द्वारा दिखाया जाएगा, वही हम आपको दिखाएंगे पूरा। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं आपके कमेंट्स, और हम जो खुद कुछ दिन इसका यूज़ करेंगे उसके बाद पूरा एक वीडियो आपको और दिखाएंगे इसके इंस्टॉलेशन और डेमो का। तो बने रहेगा हमारे साथ। साथ साथ अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। इस मशीन को देखना या खरीदना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, दिखाने कंपनी का पूरा। आपका नाम क्या? रणवीर। चलिए रणवीर जी आए हैं आज इसका इंस्टॉलेशन करने। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सर्फिया डालना है। ठीक है, उसके अलावा एक ये प्री फिल्टर होता है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक में देखा होगा, वॉशिंग के बाद निकाला और इसे साफ करके वापस यहाँ आपको लगा देना होता है। अच्छा, ठीक है, बजिए फंक्शन पे। सबसे पहले आपने पावर ऑन किया, ऑन ऑफ का ये आपका बटन है। ठीक है, अब प्रोसेस पे आ जाइए। ये आपके साइकिल दिए हुए 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आपको जिस टाइप के कपड़े धोने हैं उसको आप सिलेक्ट करिए, ये आपके नंबर आएंगे। टोटल 10 है, हाफ स्टैंडर्ड, नॉर्मल, एक्सप्रेस, ब्लैंकेट, एयर ड्राई, सॉक, वॉश, स्पिन, रिंस, रिंस वाले स्पिन, जो करना चाहते हैं वो आपको फंक्शन। इनका एक मतलब समझा दीजिए सबका। स्टैंडर्ड आपके जैसे बीपी कपड़े हो गए, नॉर्मल डेली रूटीन के कपड़े हो गए, एक्सप्रेस में हैवी कपड़े हो गए, ब्लैंकेट आपके चादर वगैरह आ गई, बेडशीट वगैरह। ये सॉकिंग का ऑप्शन होता है, जैसे कपड़ों को हम भिगो के फूलने के लिए छोड़ देते हैं, वो है। वॉश करना चाहते हो तो सिर्फ वॉशिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। खाली वॉश करें, इसमें डिटर्जेंट भी डाला है? डिटर्जेंट किस किस में डाला है? वॉश वो तो हर सब में डालेगा ना, सब में डालेगा। धोने वो तो कपड़ों का फंक्शन दिया, जिस टाइप की आप चीज़ें धोना चाहते हैं डिटर्जेंट आपको सब में डालना है। वॉश करना है तो वॉश, स्पिन करना है तो स्पिन, रिंस करना है रिंस, और ये रिंस प्लस स्पिन। बाहर कपड़े धो लिए आप, इसमें सिर्फ खंगालना और सुखाना चाहते हैं तो ठीक है। सोक का क्या होता है? आपने भिगोगे कपड़ों को, जैसे उन्हीं कपड़े पे सर्दियों में फूल देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं फूलने के लिए, उसके लिए होता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे? हाँ, वो डाला है, इस फंक्शन को आपने सेलेक्ट कर दिया तो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वॉश में खाली है क्या करेगा? सिर्फ धोएगा, और स्पिन में सिर्फ खंगालेगा। अच्छा, और मतलब ये सिंगल सिंगल करता है इसमें, स्पिन और रिंस में तो फिर पाउडर नहीं डालने की जरूरत है? नहीं नहीं, इसमें आपको पाउडर डालना नहीं, निकालने का। और वॉश में डालना होगा? हाँ, वॉश में डालना होगा। उसका बाद ये वाटर लेवल पे कपड़ों के अकॉर्डिंग आप अपना वाटर लेवल सेलेक्ट करिए। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जिस हिसाब से आपको। ये यहाँ कैसे पता चलेगा? ये सेलेक्ट किया, फंक्शन एक और वाटर पा दिए 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर। ठीक है, अच्छा 8 लीटर दिए, उसका आपको कुछ नहीं करना सीधा। तो अभी जो 30-40 वाले क्या था, वो क्या था? वो टोटल टाइम आपने जो फंक्शन सेलेक्ट किया वाटर लेवल के अकॉर्डिंग आपका टाइम आएगा। ठीक है, बस स्टार्ट। अच्छा, लाइटिंग ऑन होगी तो इसे उस बीच में उठा सकते हैं क्या? ढक्कन के एरर आ जाएगा उठाने का। ओके, इसमें कपड़ा डालना होगा कुछ? डाल सकते हैं, ताकि वो खाली चलेगी तो दिक्कत नहीं। चेक कर देता हूँ फिर। और ये क्या है? ये ऑप्शन है, डबल ए लिखा हुआ है, डबल बी वॉशिंग चल रहा है, सी सी दिखाएगा रिंस का। जब ये आप फंक्शन सेलेक्ट कर देंगे, जो प्रोसेस कर रहा होगा वो आपको यहाँ आता रहेगा। ये डबल बी मतलब वॉश, और सी सी दिखाएगा तो समझ लीजिए आप रिंस पे जा रहे हैं, और डी डी दिखाएगा तो स्पिन फंक्शन करेगा। ओके, वाटर लेवल फिर एयर ड्राई क्या है? दो जो ऑप्शन लिखे हैं, एयर ड्राई वो सुखाने के लिए, जैसे कपड़ों की नमी होती है ना, एक फंक्शन है एयर ड्राई आपका, उसमें मतलब जैसे स्पिन में सुखा देते हैं एयर ड्राई, उसमें एयर्स के थ्रू वो सुखाता है, मतलब 99% मॉइस्चर को बाहर कर देता है। इसका ऑप्शन यूज करना होगा अलग से? वो अलग से, उसको कैसे यूज करें? इस फंक्शन को हटा के एयर ड्राई दिया 5 नंबर पे, उसको स्टार्ट करना होगा आपको। यहाँ से 5 नंबर दें और फिर स्टार्ट कर दें तो ले लेगा? डायरेक्ट यहाँ से नहीं है? नहीं, आप बाकी चाइल्ड लॉक लगाना होगा, इन दो बटन को एक साथ दबा करके की पैड लॉक लग जाएगा, दोबारा दबा करके 3 सेकंड तो की पैड लॉक हट जाएगा। हट जाएगा, मतलब उतनी देर दबाए रहे उतनी देर छोड़ दीजिए।